एवरीवन, वेलकम टू गोल्डी टेस्टफुल किचन। आज जो मैं रेसिपी आपको बनाने बता रही हूँ वो है चॉकलेट गनाश। कैसे बनाना है देखिए, अगर आपको ये कंसिस्टेंसी चाहिए ना चॉकलेट गनाश की, ये देखिए ये वाली, तो ये रेसिपी बहुत जबरदस्त लगने वाली है। देखिए ये इस टाइप से बना है और केवल दो चीजों को यूज करके बना है। ये है डार्क कंपाउंड चॉकलेट और ये है अमूल की फ्रेश क्रीम जो हमने यूज की है। 1:2 का रेशो है, 1 part अमूल क्रीम और 2 part डार्क चॉकलेट क्रीम, डार्क चॉकलेट, तो इन दोनों को यूज करके। बट कैसे इसको बनाना है वो तरीका मैं आपको बताती हूँ। आइए शुरू करते हैं वीडियो। थैंक यू सो मच। तो गनाश बनाने के लिए हमने पहले एक पैन में पानी उबलना रख दिया है, उसके बाद हम इसमें ये बाउल रखेंगे। इसमें मैंने इवनली पीसेस करके चॉकलेट को डाल दिया है। ये है हमारा डार्क कंपाउंड चॉकलेट, इसको हमने इसमें डाल दिया है। 1:2 का रेशो है, हम इसको मिक्स करेंगे। देखिए अगर आप सॉस पैन में बनाते हैं ना तो कभी कभी क्रीम जलने का डर रहता है, दिस इज बेस्ट वे ऑफ मेकिंग दिस। तो जैसे ये पिघलेगी ना तब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे, 1 part क्रीम 2 part चॉकलेट। इस तरह से आपको ये गनाश बनाना है, मुझे ये कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए नीचे आपको दिख रहे हैं ना बबल्स, पर हमने ना बाउल इस तरह से लिया है कि पानी से टच ना हो ये, और ये पिघलनी शुरू हो गई है देखिए। तो ये तरीका ना बहुत सेफ है, हालांकि आप ध्यान रखिए कि हाथ ना जले। कपड़े से हमने एक साइड से इसको पकड़ा हुआ है और इसको मिक्स कर रहे हैं चॉकलेट को। तो देखिए बहुत अच्छे से ये मिक्स होना शुरू हो गई है, जैसे ही डिसॉल्व होगी तब हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम। ये देखिए अब ये पिघल गई है अच्छे से, अब हम इसमें डाल रहे हैं अमूल फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम ये अमूल की हम डाल रहे हैं इसमें और इसको अब इसको मिक्स करेंगे, दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और यकीन मानिए इस तरीके से गनाश बनाना ना बहुत बहुत इजी है और बहुत अच्छा है, यानी कोई चांस नहीं है खराब होने के। तो आप ये मेथड अपनाइए और गनाश बनाइए। गैस को हमने ऑफ कर दिया और ये देखिए ये कंसिस्टेंसी है, बहुत ही बढ़िया गनाश बनकर तैयार है। ये देखिए, तो इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो हमेशा याद रखेंगे कि हाँ ये रेसिपी मस्त वाली है, मस्त वाली। ये देखिए है ना मजेदार, बहुत अच्छे से ये बन गई है। तो हाउ टू मेक गनाश ये मैं आपको बता रही हूं कितने अच्छे से, देखिए। तो आप किसी भी डेजर्ट पे डालिए, ट्रफल पे डालिए, केक पर डालिए, कप केक्स पर डेकोरेट करिए, चिल्ड्रन विल लव इट।